माय यूट्यूब चैनल। आज लेक्चर नंबर 4 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। कुछ मतलब हर टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आपके एनसीईआरटी के, आपके एग्जाम्पल, आपके जो मिसलेनियस के क्वेश्चन भी अगर टाइम मिला तो कवर कर लेंगे। सो हमने कुछ तरीके से देखे थे कि एक सिंपलेस्ट फॉर्म वाले क्वेश्चन आएंगे कि आपको कुछ कोई एक्सप्रेशन दिया होगा उसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। उसके बाद एक आया था सब्सटीट्यूट करके कि एक्स इक्वल टू साइन थीटा लेट करना है, फिर पूरा प्रोसेस होगा। तो उसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स वो जो आपके बुक में क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़े थे, उन फॉर्मूलों का यूज होगा एप्लीकेशन, उनको हम अप्लाई करेंगे इसमें। उसके बाद हमने कुछ कन्वर्जन्स देखी थी, साइन को, साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में कैसे बदलना है, साइन इनवर्स को इनफैक्ट हम कॉट इनवर्स में चेंज कर सकते हैं। बस एक ट्राइंगल वाला जो मैथड मैंने बताया था उसको अगर आपने समझ लिया अच्छे से तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। सो आज की वीडियो का हम सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं जो आपका एनसीईआरटी की बुक का एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी आपकी शायद पेज नंबर 45 पे है। वो क्या क्वेश्चन है? सबसे पहले है प्रूफ वाले। मैंने बताया था कि आपके प्रूफ वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में देखो, सबसे पहले शो दैट, आपको दो चीजें शो करनी है। सबसे पहली है कि आपके पास क्या है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स x, एंड दूसरी चीज है, सेम चीज है एलएचएस में, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 कॉस इनवर्स x। यहाँ पे आपको कुछ रेंज लिखी हुई है कि x लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2। एंड यहाँ पे आपका लिखा x लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 2। तो आपको इन दोनों चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, आपको बस ये देखना है कि प्रूफ कैसे करा जाए, ये प्रूफ हो भी पाएगा या फिर नहीं, ये चीज आपको देखनी है। आपको अब ये रेंज और डोमेन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। इसका हमने लेक्चर नंबर 1 में काफी हद तक डिस्कस किया था, लेक्चर 2 में भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया है इसके बारे में। बट अब इन क्वेश्चंस में जहां पे आपको कुछ प्रूफ करना है, जहां पे आपको कुछ सब्सटीट्यूट करके आंसर निकालना है, फॉर नाउ आपको इस पे ध्यान नहीं देना है। आपको बस ये देखना है कि आप ये प्रूफ कर पाते हो या नहीं। सबसे पहले हम एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें इसको प्रूफ करना है 2 साइन इनवर्स एक्स के। आप अब ये सोचो कि हम एक्स, देखो अब इसमें सबसे पहले आएगा सब्सटीट्यूशन मेथड, हमें एक्स को किसी और चीज से सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। वो और कोई चीज आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही होगी, क्योंकि आपके ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन इनवर्स है। आपको 2 पहले, सबसे पहले 2 बाहर चाहिए। आपको 2 बाहर कब निकलेगा, ये तो फिलहाल एंगल में, 2 बाहर तब निकलेगा जब आपका साइन इनवर्स यहां से हट जाए, तो आपका 2 बाहर जा सकता है। साइन इनवर्स कब हटेगा, जब आपके पास इस पूरे ब्रैकेट के अंदर साइन के साथ कोई वैल्यू हो, तो आपके जो वैल्यू है वो रह जाएगी एंड साइन इनवर्स एंड साइन दोनों हट जाएंगे वहां से, कैंसिल आउट नहीं बोलूंगा मैं यहाँ पे, वो दोनों वहां से हट जाएंगे एंड जो वैल्यू है वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो देखो, सबसे पहले अगर आपको ये चीज प्रूफ करनी है, साइन इनवर्स एक्स, आप क्या कर सकते हो, एक्स को साइन थीटा लेट कर लो। अब आप ये पूछोगे कि हम एक्स को कोई और चीज भी तो लेट कर सकते थे। ये चीज आपको विद प्रैक्टिस आएगी, कौन सी चीज को क्या लेट करने पे क्या आंसर आता है। विद जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप एनसीईआरटी को 2-3 बार सॉल्व कर लो, आपको ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, आपको हर चीज पता हो जाएगी कि मेरे को कब कौन सी चीज अप्लाई करनी है, कब कौन सी चीज सब्सटीट्यूट करनी है। तो एक्स को अगर आप साइन थीटा रखते हो, तो यहां से आप पहले, सबसे पहले थीटा का आंसर निकालो। थीटा इक्वल टू हमारा साइन इनवर्स एक्स हो गया, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब x को इसमें रखो, साइन x की जगह रखो साइन थीटा। हमारे पास है साइन इनवर्स, यहाँ पे आपका 2 साइन थीटा, ब्रैकेट में क्या है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये एंड ये पूरा ब्रैकेट क्लोज। अब देखो, हमने पढ़ा है कि साइन इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। सो आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, एंड रूट से बाहर आएगा तो वो कॉस थीटा बच जाएगा। बस देखो, आपने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सॉल्व करना है आपको, तो ये होगा आपका कॉस थीटा के इक्वल। कॉस थीटा के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा को अगर 1 में से माइनस करोगे तो आपके पास आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, एंड रूट से स्क्वायर हट जाएगा एंड आपके पास जो फाइनल आंसर होगा वो कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसकी जगह हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये किसके इक्वल है, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा एज इट इज, इस पूरे ब्रैकेट की जगह आपके पास कॉस थीटा, ये ब्रैकेट ये हो गया।
अब आपको एक चीज दिख रही है, 2 sin theta cos theta, ये किसका फॉर्मूला होता है? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, साइन 2 theta इक्वल्स टू 2 sin theta cos theta। अगर इन दोनों इसको इससे कंपेयर करें तो हम इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह साइन 2 theta लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन 2 theta। हमने साइन इनवर्स के साथ साइन लिया है, इसका मतलब कि अब हमारा जो फाइनल आंसर है वो हमारा 2 theta होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर एक वैल्यू आएगी एंड वैल्यू को अगर एंगल में डालोगे तो अगर x एंगल डाल लेते हैं आपके पास y आंसर आया है, आपके पास x एंगल डाला आपने एंगल तो आपके पास y वैल्यू निकली साइन के साथ, तो आप अगर इनवर्स फंक्शन में y वैल्यू डालोगे तो आपके पास आउटपुट भी x एंगल आएगा। क्या मतलब है इसका? अगर आपने 2 theta डाला है साइन में 2 theta आपने डाला, कोई वैल्यू आई, उस वैल्यू को अगर आप साइन इनवर्स में डालोगे तब भी आपके पास आंसर 2 theta आएगा। 2 theta हो गया। अब यहाँ पे 2 हम 2 theta की टर्म्स में नहीं छोड़ सकते, इसको थीटा की टर्म्स में छोड़ देंगे तो एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा कि बुक में वो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसमें हमने थीटा की बात करी ही नहीं एंड इसने थीटा कहाँ से लिया है, एंड वो आपके मार्क्स डिडक्ट कर लेगा। तो आपको थीटा की टर्म्स में आंसर नहीं छोड़ना, आपने थीटा की वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखी है, 2 sin inverse x। तो देखो हमने यहां से शुरू किया था, बेसिकली अगर बोले तो यहां से शुरू किया था हमने, ये आपका LHS है, हम यहां पे पहुंच गए, ये आपका RHS है, तो ये आपका प्रूफ हो गया। इसके बाद जो दूसरी वाली चीज है उसको कैसे प्रूफ करेंगे, उसमें बस एक हल्का माइनर सा चेंज है, आप बस साइन थीटा की जगह कॉस थीटा लेट कर लो, एक्स को आप साइन थीटा की जगह कॉस थीटा लेट करो, ये आपका कॉस इनवर्स एक्स हो गया, यहाँ पे आपका कॉस थीटा हो जाएगा साइन थीटा की जगह, यहाँ पे आपका कॉस थीटा एंड यहाँ पे आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके आगे सारे स्टेप सेम रहेंगे, देखो 1 - cos² θ इज साइन स्क्वायर थीटा, रूट के साथ हटा तो ये आपका साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा एज इट इज 2 as it is 2 sin θ cos θ, हम इसको दोबारा से साइन 2 θ लिखेंगे, फिर ये 2 θ के इक्वल हो गया, वही एंगल और वैल्यू वाली बात, एंड थीटा की जगह इस केस में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर एक्स की जगह आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स की जगह आ जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स। तो देखो आपके दोनों क्वेश्चन प्रूफ हो गए, बस आपने एक्स को एक पर्टिकुलर वैल्यू दी एंड उसकी हेल्प से आपने क्वेश्चन सॉल्व किया एंड लास्ट में एक्स को आपने दोबारा इंक्लूड कर दिया इसमें, हमने थीटा की जगह एक्स इंक्लूड कर दिया। तो आपको बेसिकली बस सब्स्टिट्यूट करना आना चाहिए कि हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, अगर यहाँ पे थीटा होता तो थीटा की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है। सो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ये आपके एनसीईआरटी जो बुक है उसका ही एक पार्ट है, उसके ही क्वेश्चन हैं ये। इसके आगे चलते हैं आपके दूसरे टाइप के क्वेश्चन, ये तो एक प्रूफ वाले हो गए कि आपको कुछ प्रूफ करना हो तब आपको कैसे करना है, आपको कुछ प्रूफ करना है तब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी काम आएगा मैक्सिमम टाइम्स। इसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन है, टेन इनवर्स 1/2 प्लस उसके आगे हमारे पास tan inverse 2/11, tan inverse 2/11। अब देखो वो बोल सकता है कि आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, या फिर वो ये भी बोल सकता है कि आपको प्रूफ करना है कि ये किसी चीज के इक्वल है, हमें एनसीईआरटी में अभी गिवन है कि ये किसके इक्वल है, tan इनवर्स कोई वैल्यू गिवन है, क्या वैल्यू है, ये हमारा इक्वल है tan इनवर्स 3/4 के इक्वल, ये हमें प्रूफ करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू है, या फिर हम प्रूफ करना है LHS इक्वल्स टू RHS। कैसे करना है देखो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्या फॉर्मूला था जल्दी से याद करो, कैसे बताया था मैंने आपको याद करने के लिए बताया था, आप यहाँ से tan इनवर्स कॉमन ले सकते हो, कॉमन नहीं लिया जाता है जनरली क्या, कॉमन नहीं ले सकते हम tan इनवर्स x, बट मैंने याद करने के लिए बताया था कि आप ऐसे सोच सकते हो कि हमने tan इनवर्स कॉमन लिया, ऊपर बचा x प्लस y, ऊपर एक बार प्लस आ गया तो नीचे माइनस आएगा, 1 - xy, ऐसे आप याद कर सकते हो, आप tan इनवर्स को शॉर्ट ऑफ कॉमन ले लिया आपने, आप ऐसे याद करने के लिए बताया था मैंने। तो आप देखो कि x की जगह आपका 1/2, y की जगह 2/11, तो आप ये फॉर्मूला आप इस क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। तो देखो tan इनवर्स ये तो हमारे पास है ही LHS, हमें RHS में ये आंसर चाहिए, तो हमारे पास x इक्वल्स टू 1/2 हो गया, y क्या हो गया हमारे पास 2/11। अब हमें इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे रखना है, कैलकुलेट करके ये हमारे पास आना चाहिए, तो हमारा जो आंसर है वो हमारा प्रूफ हो जाएगा। क्या फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, tan इनवर्स 1/2 प्लस 2/11 अपॉन 1 - 1/2
मल्टीप्लाइड बाय 2 बाय 11, इसे हमें सॉल्व करना है पूरा प्रॉपर। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया हमारा, क्या बचा tan इनवर्स, यहाँ पे आपका एलसीएम आ गया 22, आपका बचा 11 प्लस 4 एंड ये आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपका 1 अपॉन 11 माइनस वो 1 माइनस 1 अपॉन 11 मीन्स 11 माइनस 1 अपॉन 11, ये आपका पूरा एक्सप्रेशन हो गया। नाउ tan इनवर्स ये आपका 15 अपॉन 22, ये आपका न्यूमरेटर एंड 10 अपॉन 11 ये आपका डिनोमिनेटर। अब अगर हम इसे सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, ये चीज डिवीजन में इसका रेसिप्रोकल करके हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल करके हम मल्टीप्लाई में ले जाएंगे इसे। तो कैसे करेंगे, tan इनवर्स 15 अपॉन 22 हमारे पास गिवन है 22, इसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो 11 अपॉन 10, 11 से ये 2 टाइम्स गया, फिर ये 5 टाइम्स गया ये 2, ये 5 टाइम्स गया ये 3, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो आ गया tan inverse 3 upon 4 हमारा आरचेस में था, तो हमारा फाइनल आंसर प्रूफ हो गया। इसमें आपको क्या करना था, आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ी, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप कितना भी ट्राई कर लो आप ये आंसर नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि 2 बाई 11 किसी पर्टिकुलर एंगल पे नहीं होता, ये आपको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, 1 बाय 2 भी नहीं होता, बट आप एक पल के लिए इसे कैलकुलेट कर सकते थे। नाउ ये हो गया, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोला था सो दैट ये इक्वल्स टू दिस, बट कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जिसमें आपको आरएचएस ना पता हो, आपको फाइनल रिजल्ट इसमें पता था कि यही आंसर आएगा। इसके लिए एक ट्रिक ये भी है कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपको बीच में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, तो आप कुछ स्टेप्स करके दिखाओ, लास्ट में आपको पता है कि आरएचएस में तो यही आने वाला है आपका, लास्ट में आप ये चीज लिख सकते हो, बट आपके बीच में कुछ स्टेप्स होने चाहिए, आपने फॉर्मूला लिखा होना चाहिए, वो सब आपने कर रखा हो, भले ही बीच में आपने कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ करी है, आपने फाइनली ये लिखा है एंड आपने पूरा प्रूफ कर दिया, तो हो सकता है एग्जामिनर फुल मार्क्स दे दे, इतना ध्यान नहीं देगा वो वहाँ पे, आप उसने देखा फॉर्मूला लिखा है, आपने कुछ स्टेप्स फॉलो करें एंड आपने पूरी चीज प्रॉपरली करी है, राइटिंग वगैरह आपकी ठीक है, तो आपको मार्क्स मिल सकते हैं। ये आपकी एक ट्रिक है कि अगर आपको पूरा क्वेश्चन नहीं आता, बीच में कहीं गड़बड़ हो रही है, तो फॉर्मूला लिखो, इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करके दिखाओ, एक दो स्टेप, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आरएचएस की जगह लास्ट में ये लिखो एंड एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस आपका प्रूफ हो जाएगा। इसके बाद एक आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो मैंने बताया था कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास आ सकता है। सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब कोई बड़ा सा एक्सप्रेशन होगा एंड उसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना होगा। क्या क्वेश्चन है, एक्सप्रेस tan इनवर्स आपका यहाँ पे cos x अपॉन 1 माइनस sin x। देखो अब ये आपका काफी बड़ा एक्सप्रेशन है इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको इसे एक्सप्रेस करना है। अब इसमें आपको थोड़ी बहुत ट्रिक लगानी पड़ेगी, आपको मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि आपको cos x का फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1 माइनस sin x की जगह आप क्या लगा सकते हो, 1 को क्या लिख सकते हो, वो चीज आपको पता होनी चाहिए एंड ये सब चीज़ें आपको विद प्रैक्टिस आएगी आपके पास। अगर अचानक से ऐसा नया क्वेश्चन आ गया तो हो सकता है आप सॉल्व ना कर पाओ, तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको क्लियरिटी मिलेगी। सो देखो अगर हम यहाँ पे tan इनवर्स के साथ tan बना लें तो हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा tan के अंदर वही हमारा आंसर हो जाएगा, मीन्स वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा, उससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता। बट इसको tan बनाने के लिए, इस पर्टिकुलर चीज़ को tan बनाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, हमें सबसे पहले तो जो मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ फॉर्मूले बताए थे जैसे cos 2x sin 2x का, और फिर आपके जैसे sin square x plus cos square x, इन सब के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। तो इस फॉर्मूले में देखो इस चीज में हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास tan इनवर्स cos x होल अपॉन 1 माइनस sin x है, ये चीज है हमारे पास, हमें इसे सॉल्व करना है। अब हम देखो क्या करते हैं, हम इसे 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, इस पर्टिकुलर एंगल को हमने इस पूरी एक्सप्रेशन को नहीं करा, हमने एंगल को करा है बस, इसमें भी एंगल को 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो अगर मैं ऐसे लिखूं कि cos 2x upon 2 is equals to cos 2x upon 2, तो कोई डिफरेंस है, मतलब कि कोई डिफरेंस नहीं है इसमें,
आपका वैसे भी ये भी आपका कॉस एक्स है एंड ये भी आपका कॉस एक्स है, बट इसको हमने इस वे में क्यों लिखा, ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अब देखो इसको आप रेक्टेंगल ब्रैकेट बना सकते हो, इसको रब करके एक बार क्लियरली रेक्टेंगल ब्रैकेट बना लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। आपने पहले x को 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड किया, आपने लिखा cos रेक्टेंगल ब्रैकेट 2 x अपॉन 2, फिर आपने लिखा 1 माइनस साइन रेक्टेंगल ब्रैकेट 2 सर्कुलर ब्रैकेट x अपॉन 2 एंड ये ऐसे हो गया। नाउ ये अभी भी cos x है क्योंकि 2 से 2 अगर कैंसिल हो गया तब भी आपका cos x आ रहा है एंड ये अभी भी साइन x है, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पे 1 है, इस 1 का क्या करना है, हमने कोई ऐसा फॉर्मूला तो अभी पढ़ा नहीं है कि 1 माइनस साइन एक्स करके हमारे पास कुछ फॉर्मूला हो, तो हम इस 1 को भी चेंज करते हैं। किस चीज में चेंज करेंगे, हमें ये चीज पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमारे पास, इसको चलो अगले स्टेप में करते हैं, इसको 1 रहने देते हैं अभी। अब देखो हमने क्या चीज पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, हमने कॉस 2x का फॉर्मूला पढ़ा था, हमने साइन 2x का फॉर्मूला पढ़ा था, हमने cos 2x का फॉर्मूला पढ़ा था। अगर हम इसमें देखें तो ये इस पर्टिकुलर को हम एंगल माने तो ये cos 2 थीटा, sin 2 इस पर पूरे को थीटा माने तो sin 2 थीटा cos 2 थीटा, ठीक है। अब इसमें हम cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये था हमारे पास फॉर्मूला। अगर थीटा की वैल्यू x बाई 2 है मीन्स cos 2x by 2, तो आपका cos square x by 2 minus sin square x by 2, ये है, ये दोनों चीज आपकी इक्वल है, हमने थीटा की जगह x by 2 रखा, इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो आपका cos x ही आ जाएगा, तो आपका cos 2x by 2 equals to cos square x by 2 minus sin square x by 2। तो अगले स्टेप में आपको क्या करना है कि tan इनवर्स इनवर्स आपको बड़ा सा ब्रैकेट बनाना है, नीचे लाइन खींचनी है बड़ी सी, इस चीज को ऐसा एक्सप्रेस करना है, कैसे, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू, एक्स अपॉन टू आपका एंगल में है माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू, एंड ये हमने कैसे करा, पहले 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड एंड फिर कॉस 2x का हमने फॉर्मूला लगा दिया। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अगर हम थीटा को x बाय 2 बोलें तो साइन 2 x बाय 2 इक्वल टू 2 साइन x बाय 2 कॉस x बाय 2, ये हो जाएगा हमारा। तो हम साइन 2 x बाय 2 की जगह ये पूरा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, क्या, 2 साइन x बाय 2 कॉस x बाय 2, ये चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसके साथ माइनस। अब देखो इस 1 को कैसे लिखेंगे, इस 1 को कैसे लिखेंगे, हमने क्या पढ़ा है, cos square x plus sin square x equals to 1, आपका x कुछ भी हो सकता है, तो हमने लिखा cos square। अब देखो एक चीज देखना, आपके सारे एंगल x by 2, x by 2, x by 2, x by 2 हैं, तो इसमें भी हम x by 2 लगाएंगे, cos square x by 2 plus sin square x by 2, आपका एंगल कुछ भी हो, अगर sin square और cos square में एंगल सेम है तो उसका सम बनाएगा, ये आपका 1 हो गया, ये आपका हो गया sin x, sin x कैसे, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू है x by 2, तो sin 2 x by 2 means sin x, यहाँ पे वही आ जाएगा, 1 की जगह हमने इसको यही लिख दिया एंड इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड एंड cos 2x का फॉर्मूला लिख दिया, हम इस पर्टिकुलर स्टेज तक पहुंच गए। इसके बाद कुछ नहीं करना है, इसके बाद काफी ज्यादा इजी है चीजें, इधर से फॉर्मूला मैं रब करता हूं, यहां तक चीजें समझ में आई। देखो cos 2x को, cos x को हमने पहले 2x वाले फॉर्मूले बनाना चाहा कि ये cos 2x का फॉर्मूला अगर बन गया तो हम फॉर्मूला तो लगा सकते हैं, एटलीस्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, फिर हमने साइन 2x, फिर हमने साइन x को भी साइन 2x में इसलिए चीज कन्वर्ट किया कि हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, एंड 1 को हमने cos square x by 2 plus sin square x by 2 इस फॉर्म में लिख लिया। नाउ इसके आगे क्या होगा, अब ये देखो, ये इसको हम, ये हमें कैसे दिख रहा है, a plus b, a square minus b square क्या होता है, a plus b, a minus b, इसके लिए हमें थोड़ी ज्यादा स्पेस चाहिए होगी, तो ऊपर वाली लाइन हम रब कर देते हैं, यहां से ऊपर, यहां से हमने रब किया, तो देखो इसको हम a प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में लिखेंगे, tan इनवर्स हम बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे एंड एक लाइन खींच देंगे, a प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में लिखेंगे, मीन्स आपने ये चीज पढ़ी होगी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी,
एंड ए माइनस बी, ये प्रॉपर्टी हम लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि इसको अगर हम ए बोले इसको बी बोले तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो आपका कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू, ये हो गया आपका ए प्लस बी, फिर दूसरे ब्रैकेट में कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू, ये हो गया आपका ए माइनस बी, ठीक, ये आपका दूसरा वाला ब्रैकेट। अब देखो आपको इसमें ये चीज दिख रही है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, अगर आपका ए साइन थी साइन एक्स बाय टू है एंड बी आपका कॉस एक्स बाय टू है, तो आपको इसमें ये चीज दिख रही है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए इक्वल्स टू हमारा है साइन एक्स बाय टू एंड हमारा बी इज इक्वल्स टू कॉस एक्स बाय टू, ये चीज आपको इसमें दिख रही है। देखो ए स्क्वायर साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर कॉस एक्स बाय टू का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, मीन्स माइनस टू ए की वैल्यू साइन एक्स बाय टू, बी की वैल्यू कॉस एक्स बाय टू, तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी क्या है, ए की वैल्यू आपकी साइन एक्स बाय टू, इसकी या फिर कॉस एक्स बाय टू भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे हमने कॉस एक्स बाय टू माइनस आपका साइन एक्स बाय टू इसका होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर। सो इसमें हमने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई, न्यूमरेटर में हमने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई, डिनोमिनेटर में हमने ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी लगाई, आगे कैसे करेंगे। अब तो काफी हद तक चीजें आपकी सॉर्ट आउट हो गई हैं। अब देखो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना था एंड हमने कितना बड़ा एक्सप्रेशन बना दिया, बट अब जस्ट सॉल्व होने वाला है, बस कुछ स्टेप्स बाकी हैं हमारे। हमने अभी तक क्या क्या किया, हमने बस अभी तक बेसिक फॉर्मूले जो हमने पढ़े थे कॉस टू एक्स साइन टू एक्स फिर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू वन, ये प्रॉपर्टी एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सब हमने इसमें अप्लाई किया है। अब देखो ये है कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर एंड यहाँ पे कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू दोनों सेम है, हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, मीन्स इस चीज से इसकी पावर कट हो जाएगी, इस चीज से इसकी पावर कट हो जाएगी, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या बचा, टेन इनवर्स कॉस एक्स बाय टू आपका प्लस साइन एक्स बाय टू एंड डिनोमिनेटर में आपके पास कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू। अभी भी हमें कुछ फ्रूटफुल आंसर नहीं मिल रहा है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हमें तो टेन बनाना है ना, हमें टेन बनाने से मतलब है, अगर एक बार हमने टेन बना लिया तो वो टेन इनवर्स के साथ हट जाएगा एंड जो हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर बचेगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म वाला। तो अभी भी हमें कोई फ्रूटफुल आंसर नहीं मिल रहा है, बट इसमें हम एक चीज देख सकते हैं कि इसमें कॉस थीटा है, कॉस एक्स बाय टू है, साइन एक्स बाय टू है, फिर न्यूमरेटर में भी कॉस एक्स बाय टू साइन एक्स बाय टू है। अगर हम एक चीज कर लें इसमें, क्या ऊपर भी कॉस एक्स बाय टू से डिवाइड, नीचे भी कॉस एक्स बाय टू से डिवाइड। देखो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आपके पास 1 बाय टू है, इसको आप अगर ऐसे लिख दो कि 1 अपॉन 4 अपॉन 2 अपॉन 4, तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, क्यों, आपने ऊपर भी 4 से डिवाइड किया नीचे भी 4 से डिवाइड कर लिया, तो चाहे आप ये लिखो चाहे आप ये लिखो दोनों बात आपकी एक ही बात है। तो इसमें भी हम ये चीज अप्लाई करने वाले हैं, इस पर्टिकुलर चीज में क्या करेंगे, हम cos x by 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड कर देंगे। अभी तक हम टेन इनवर्स के बाहर नहीं गए हैं, हम सिर्फ इसमें वैल्यू में चेंज कर रहे हैं, बस कुछ प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं, कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलास अप्लाई कर रहे हैं। टेन इनवर्स हमने कॉस एक्स बाय टू से डिवाइड करना है, ऊपर कॉस एक्स बाय टू से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो कॉस एक्स बाय टू अपॉन कॉस एक्स बाय टू वन प्लस साइन एक्स बाय टू अपॉन कॉस एक्स बाय टू इज टेन एक्स बाय टू, ये चीज हुई। फिर कॉस ये हो गया आपका न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में देखो कॉस एक्स बाय टू अपन कॉस एक्स बाय टू इज वन माइनस साइन एक्स बाय टू अपन कॉस एक्स बाय टू इज टेन एक्स बाय टू, ये चीज आपकी हो गई। हमने क्या करा, कॉस एक्स बाय टू से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड किया हमने एंड तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हमें कुछ टेन में चीजें कन्वर्ट होती हुई दिख रही हैं, हम अब अपने फाइनल आंसर तक पहुंचने वाले हैं ऐसी चीजें, क्योंकि हमें अब 10
इनवर्स के साथ हमें टेन दिख रहा है तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने वाले हैं, बट अभी भी कुछ चीज बाकी है, वन है यहाँ पे। अब आप क्या कर सकते हो, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स आपका प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। नहीं, ये फॉर्मूला नहीं, दूसरा फॉर्मूला है जो टेन एक्स प्लस टेन वाई वाला फॉर्मूला है आपका, टेन एक्स प्लस टेन वाई, टेन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स टेन वाई। ये फॉर्मूला हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है, इसको आप नोट डाउन कर लो, इसको हमने लास्ट वीडियो में कवर नहीं किया है, हमने a प्लस बी ए माइनस बी वाले फॉर्मूले कवर नहीं किए थे। तो टेन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स टेन वाई, ये चीज हमारी यहाँ पे है। इस चीज को हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे कैसे, हमें ये पता है कि टेन पाई बाय फोर इक्वल्स टू वन होता है, तो हम इस न्यूमरेटर में वन की जगह टेन पाई बाय फोर लिख सकते हैं। इस न्यूमरेटर में जो वन है हम उसकी जगह पाई बाय फोर लिख सकते हैं बहुत इजीली। सो नाउ देखो, इस वन की जगह हमने क्या लिखा, टेन पाई बाय फोर, टेन पाई बाय फोर। यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं कि वन मल्टीप्लाई में टेन एक्स बाई टू के साथ वन मल्टीप्लाई में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इस वन की जगह भी टेन पाई बाय फोर लिख सकते हैं। क्या लिखा हमने, टेन, देखो थोड़ी सी स्पेस बना के लिख लेते हैं, यहाँ पे टेन पाई बाय फोर माइनस एंड यहाँ पे वन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि टेन पाई बाय फोर यहाँ पे वन हो जाएगा, टेन पाई बाय फोर यहाँ पे भी वन ही रहेगा। एंड आपको ये फॉर्मूला अगर पता है तो आप ये, अब ये क्वेश्चन आप बहुत ईजिली कर जाओगे। अब देखो, टेन एक्स टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स टेन वाई, आपको चीजें दिख रही हैं कन्वर्ट होती हुई, टेन एक्स टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स टेन वाई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू का आंसर दिख रहा है आपको, टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू, टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू अगर हम यहां पे रखें तो टेन एक्स मतलब टेन पाई बाय फोर प्लस टेन एक्स बाय टू वन माइनस टेन पाई बाय फोर एंड टेन एक्स बाय टू, टेन पाई बाय फोर की वैल्यू वन। अगर हमें क्वेश्चन में, देखो नोट करते जाना चीजें, क्वेश्चन में हमें जहां नीड पड़ेगी हम वन की जगह अपने अकॉर्डिंग कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स रखेंगे, या फिर अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन में जैसी सिचुएशन बन रही है उसके अकॉर्डिंग हम टेन पाई बाय फोर भी रख सकते हैं। तो हमने ये चीजें करी, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, इसको हमने इस फॉर्मूले में कन्वर्ट किया एंड आपके पास टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू आ गया एंड बाहर तो आपका टेन इनवर्स चल ही रहा था। अब देखो, आपने टेन के साथ टेन इनवर्स लिया या फिर टेन इनवर्स के साथ टेन लिया, आपका जो ओवरऑल आंसर है वो हो गया पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू, आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लिया। आपकी जो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो हमेशा पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू आएगी, आप यहाँ पे एक्सचेंज करते रहो आपका यहाँ पे एक्सचेंज होता रहेगा। तो आपने इस सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लिया। आपने क्या क्या यूज किया, आपने इसमें तीन चार फॉर्मूले यूज करे, तीन चार मैथमेटिकल प्रॉपर्टी यूज करी, आपने फिर कुछ ट्रिक्स लगाई। क्या ट्रिक्स लगाई, आपने वन की जगह पहले कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स वाली प्रॉपर्टी देखी, उसके बाद फिर वन की जगह आपने टेन पाई बाय फोर रखा एंड आपका एट द एंड ये आंसर आ गया, ये रिजल्ट आपको मिला। इसके बाद हमारे पास एक प्रूफ है, कौन सा प्रूफ, ये अभी बस हम एग्जाम्पल कर रहे हैं आपके एनसीईआरटी के। क्या प्रूफ है, हमें क्या प्रूफ करना है, देखो हमें करना है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स टू एक्स, ऐसे करके कोई क्वेश्चन है हमारा, तो है हमारा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये है आपका। एंड हमसे पूछा गया है कि ये इसके इक्वल प्रूफ करना है आपको, टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस आपका एक्स क्यूब अपॉन में आपका वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, हमें यहां से स्टार्ट करना है। तो ये बहुत सिंपल है, आपको टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाना है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई
y की वैल्यू 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस x मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स वाई। तो हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, y की जगह ये वैल्यू, तो हमने ये वैल्यू रखी y की जगह ये वैल्यू रखी। कैलकुलेट कर लो, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो tan इनवर्स आपका ये क्रॉस मल्टीप्लाई में गया तो आपका x माइनस एक्स क्यूब एंड आपका वो हो गया प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑब्वियसली एंड होल अपॉन, ये आपका पूरा डिनोमिनेटर किसके इक्वल है, ये आपका 2x स्क्वायर हो गया सबसे पहले तो इधर, एंड होल अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये बीच में माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, आपको रिजल्ट आता हुआ दिख रहा होगा tan इनवर्स x प्लस 2x 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन आपका 1 माइनस 3x स्क्वायर, आपको ये रिजल्ट इसके इक्वल दिख गया। आपने काफी सिंपल था, आपको बस एक फॉर्मूला पता हो, आपने वो फॉर्मूला में x और y की वैल्यूज डाली, आपके पास ये आंसर आ गया, सिंप्लीफाई करने की देर थी बस। इसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस और हैं, जैसे कि एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एंड अगर आपने इससे पहले वाला जो हमने क्वेश्चन करा है सिंप्लीफाई करने वाला, वो आपने अगर सही से करा है, वो आपने सही से देखा है, तो आप ये क्वेश्चन कर ले जाओगे, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो। पहले क्वेश्चन क्या है, आपके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अगेन क्या क्वेश्चन है देखो, सिंप्लीफाई इसका हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो tan इनवर्स cos x माइनस sin y sin x अपॉन cos x प्लस sin x, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है बेसिकली। बड़ा सा एक्सप्रेशन है आपका, आपको कोई छोटा सा आंसर इसका बताना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करना है। अगर आपने वो चीज़ देखा हो, देखी हो इससे पहले जो हमने लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन हमने किया, उसमें भी हमारे पास कुछ ऐसे ही बन रहा था कि cos x by 2 plus sin x by 2 upon cos x by 2 minus sin x by 2, बस इसमें प्लस और माइनस की पोजिशन चेंज है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसमें भी पहले cos से डिवाइड कर लेते हैं, न्यूमरेटर अलग डिनोमिनेटर अलग डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 1 डिवाइड के cos x upon cos x 1, sin x upon cos x is 10x, cos x upon cos x is 1 and plus sin x upon cos x is 10x, यहाँ पे आपका tan inverse as it is and bracket के अंदर ये चीज़ है। आप अब 1 को क्या लिखोगे, आपने इससे लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया, 1 की जगह हमने क्या करा, tan pi by 4 लिख लिया, tan pi by 4, यहाँ पे अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें tan x को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इस 1 को भी tan pi by 4 लिख लेंगे, tan pi by 4, तो ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया, tan x माइनस वाई का, tan इनवर्स tan pi by 4 माइनस x, तो ये क्या हो गया, tan से tan हट जाएगा एंड pi by 4 माइनस x, ध्यान रहे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हट जाएगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि कैंसिल आउट हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पहले कोई एंगल डाला, उस एंगल पे जो वैल्यू मिली उसका इनवर्स करेंगे तो लास्ट में हमें वही वैल्यू मिल जाएगी, ठीक वही एंगल मिलेगा। देखो हमने ये एंगल डाला tan के अंदर, tan के अंदर हम हमेशा एंगल डालते हैं, कोई पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, अगर हम वैल्यू सेम वैल्यू इनवर्स फंक्शन के अंदर डालेंगे तो हमें सेम एंगल मिल जाएगा, तो हम मैं बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि हट जाएगा आपस में, तो pi by 4 माइनस x आपका ये आंसर हो गया, सिंपलीफाई आपने वैसे ही करा, cos x से डिवाइड, 1 की जगह tan pi by 4 एंड लास्ट में आपने फाइनल आंसर ये लिख दिया। जैसे हम बात कर रहे थे कि सिंपलेस्ट फॉर्म के आपके क्वेश्चन होंगे, आपको कुछ प्रूफ करने वाले होंगे, आपको कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुई होंगी, जैसे tan इनवर्स 1 by 2 plus tan इनवर्स 2 by 11, वो वाला क्वेश्चन हमने देखा, ये हमने एग्जाम्पल के क्वेश्चन उठाए थे एंड ये क्वेश्चन आपको पर्टिकुलरली एक्सरसाइज का, बट आप एक्सरसाइज 2.2 में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत ज़्यादा उसमें स्टेप्स होंगे एंड उसमें कुछ आपको ट्रिक्स लगानी पड़ेंगी, उसके लिए हम अलग से लेक्चर बनाएंगे। अगर इसमें ही मैंने सारा कवर किया, मान लो कि 2.2 करानी है, तो उसके बाद फिर मिसलेनियस बाकी है, आपके मिसलेनियस में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपको प्रैक्टिस में होने चाहिए, आपको एक बार अगर आ गए तो आप एक एग्जाम में आ जाएंगे तो आप वो कर ले जाओगे, बट एक बार आपको करने पड़ेंगे, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, अलग से वीडियो क्यों, क्योंकि इस वीडियो को अगर हमने स्ट्रेच किया तो 1.5 घंटे 2 घंटे तक की वीडियो बन जाएगी, एंड काफ़ी बच्चे 1.5 घंटे 2 घंटे तक की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, उसको फिर एडिट करने अपलोड करने में भी दिक्कत होती है, इसलिए शॉर्ट वीडियो रखते हैं, आपको चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी शॉर्ट वीडियो से।
अगर आपको आज के लेक्चर पसंद आए हैं एंड ये चीज़ें आपको जो क्वेश्चंस हमने करे हैं एनसीईआरटी के वो समझ में आए हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर कोई क्वेरी रह गई है तो कमेंट करके पूछो, वीडियो लाइक कर देना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। लेक्चर के नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे, टेलीग्राम का लिंक आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि लेक्चर आप वहाँ से वो लेक्चर के नोट्स आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, तो आप आओ वहाँ से डाउनलोड करो लेक्चर के नोट्स एंड अपनी पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।